चने की मानसी ब्लॉग्स एंड रेसिपीज। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चने के दाल से मोदक। इसके पहले भी मैंने मोदक बनाया हुआ था और वो बेसन से बनाया था, उसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल में डली हुई है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। और आज का जो रेसिपी है चने की दाल के मोदक, वो मैं नहीं बनाने वाली, वो मेरी मम्मी बनाने वाली है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। पर चने की दाल ली हुई है और इसको ओवरनाइट भिगा दिया था और अब इसको पीस लेंगे। सारी दाल को हमने यहाँ पे एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इसको हमें एकदम महीन नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है ना। तो आप देख सकते हैं ये हमारा दाल जो था वो पीस चुका है और इसे ज़्यादा महीन नहीं किया गया है, एकदम दरदरा पीसा गया है। ये देखो, तो अब यहाँ पर एक छोटा वाला जार ले लिया है और इसमें हम चीनी पीस लेंगे जो हमें मीठे में ऐड करना है। तो चीनी इसमें मैंने एक कटोरी ली हुई थी पर आधी ही मैंने डाली है, आधी बचा कर रखी है, बाद में ज़रूरत होगी तो पीस लेंगे उसे। आधी है एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे तेल या फिर रिफाइंड ऑयल, आपके पास जो भी हो आप डाल सकते हैं, या फिर इसे आपको घी में बनाना हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो इसमें तेल डाल दिया है और अब इसमें जो हमने पीठी बना के रखी है उसको, पेस्ट बना के रखा है उसको डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे। और अब इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेना है। देख सकते हैं जितना हमने इसमें अपना रिफाइंड ऑयल डाला था वो पूरा ऑब्जर्व हो चुका है और अब इसमें इस स्टेज पर डाल देंगे कलर। तो यहाँ पे येलो फूड कलर का यूज़ मैंने किया है, तो येलो फूड कलर इसमें डाल दिया। इसमें से कलर बहुत अच्छा आएगा, देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे हमारे मोदक। और फूड कलर तो ईजिली कोई भी शॉप पर आपको मिल जाएगा, ये देखिए कितना प्यारा कलर इसमें आ चुका है, बिल्कुल जैसा हमारा मोतीचूर का लड्डू होता है बिल्कुल वैसा कलर इसमें आ गया है। तो अभी ये जो हमारा चने की दाल थी वो बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुकी है और अब इसको निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो अभी ये पीठी अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है और अब इसको निकाल लेते हैं थाली में या फिर प्लेट में। तरीके से ठंडा हो चुका है और अब इसमें सभी चीज़ हम मिला देंगे, चीनी और जो हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट में लिया हुआ है। तो ड्राई फ्रूट में यहाँ पर लिया हुआ है थोड़ी सी कोकोनट जिसको हमने ग्रेट कर लिया है और थोड़ी सी मूंगफली ली हुई है और उसको भी अच्छी तरीके से हमने खल्लड़ में कूट लिया था। और अब भी सभी चीज़ों को इसमें मिक्स कर देंगे और अब साथ में इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी की जगह पे आप चीनी का जो बूरा मिलता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है। और अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और अब इसका मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से पहले हाथ में लेकर आपको उसको पूरा राउंड कर लेना है, जैसे हम लड्डू बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको बांध लेना है, देखें कि उसमें बाइंडिंग हो रही है कि नहीं। और अब इसको लड्डू बनाने के बाद नीचे की तरफ से गोल घुमाते हुए और ऊपर ऐसे उठाते हुए इसको मोदक का शेप दे देना है। इतने मोदक बनकर हो गए हैं रेडी और अभी मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए अभी इसको वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और बाकी के जो मोदक है वो मम्मी बनाती रहेंगी। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को पहले से लाइक कर देना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी तरह हम लोग मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय तो कर दो।
हाथ गंदे।